साल के इतिहास में पहली बार एक निर्दलीय को चुन के प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचाया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 13 सितंबर का दिन था जब युवाओं की फीस बढ़ोतरी के मामले में मैंने विधानसभा का घेराव किया था। उस दिन मैं पहली बार राजस्थान की इस सबसे बड़ी और इस पवित्र विधानसभा में मैं पहली बार आया था। आज सुबह मैं देख रहा था कि कई सारे युवा भाई, युवा साथी सड़क पे संघर्ष कर रहे थे। संघर्ष इसलिए कर रहे थे क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत उन सभी की फीस में बहुत ज्यादा इजाफा किया गया। हाँ, मैं बात कर रहा हूं जोधपुर विश्वविद्यालय की। अमूमन 10% से ज्यादा कहीं की भी फीस को आप बढ़ा नहीं सकते। राजभवन का आदेश होता है और कुलाधिपति के आदेश की पालना करना ये उनका कर्तव्य होता है। पर बड़े दुख की बात है कि जोधपुर विश्वविद्यालय में इन आदेशों की पालना नहीं की गई। ग्रामीण परिवेश से आने वाले उन विद्यार्थियों पे एक आर्थिक बोझ डाला गया जो हम सभी के लिए, विशेषकर मेरे लिए पीड़ा की बात है क्योंकि मैं उसी विश्वविद्यालय से निकला हूं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस बार डेटा हैंडलिंग के नाम पे, ऑनलाइन फॉर्म के नाम पे पर स्टूडेंट 3 साल के 5400 से 5500 तक 5 से 6 हजार रुपए ज्यादा लिए जा रहे हैं। बड़े दुख की बात है क्योंकि साहब ग्रामीण परिवेश से आने वाला युवा वो पढ़ाई भी करता है, साथ ही साथ किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी भी कर रहा है, कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है। आज वो कैपेबल नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके अपने सपनों को साकार करने का एक प्रयास कर रहा है। पर उनके साथ जब ऐसा कुठाराघात होता है तो कहीं ना कहीं दुख होता है, एक पीड़ा होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकी जो सेमेस्टर फीस है, पहले एनुअल एग्जाम हुआ करते थे, अब सेमेस्टर एग्जाम हो गए हैं। एनुअल एग्जाम में एक बार ही फीस ली जाती थी, अब हर 6 महीने में ये फीस लेने लग गए। हुआ ये है कि पहले जो फीस 3000 थी उसको अब बढ़ा के इन्होंने 6 से 8 हजार कर दी। ये तमाम जो आर्थिक बोझ डाले जा रहे हैं, मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। साथ ही साथ मेरा निवेदन रहेगा विश्वविद्यालय प्रशासन से कि आप छात्रों को आर्थिक रूप से ना तोड़ें, आप उन्हें संबल दें और तमाम जो इनको समस्याएं आ रही है